हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन है। आपको कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग फाउंडेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, तो कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आप फाउंडेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग अच्छा लाइक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा Staad.Pro का स्टैट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी शायद आइसोलेटेड फूटिंग का डिज़ाइन का ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो बड़ी ही ईजी स्टेप में कि किस तरीके से फाउंडेशन की डिज़ाइन कर सकते हैं Staad.Pro में। अब बात करें कि Staad.Pro में कौन कौन से फाउंडेशन की डिज़ाइन कर सकते हो, तो Staad.Pro में हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग की डिज़ाइन कर सकते हैं, मैट फुटिंग की डिज़ाइन कर सकते हैं, पाइल कैप की कर सकते हैं और कंबाइंड फुटिंग की डिज़ाइन कर सकते हैं। कंबाइंड मीन्स दो फुटिंग को एक साथ कंबाइन करके, जहाँ पे आपके कॉलम के एक फुटिंग दूसरे को फुटिंग से मिलने का चांस है उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग को करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में एक या दो जगह पे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे कंबाइंड फुटिंग बेटर ऑप्शन होता है। तो कंबाइंड आइसोलेटेड और पाइल कैप और मैट फुटिंग के डिज़ाइन हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, किसके अंदर, Staad.Pro के। अब आपके दिमाग में आएगा कि दूसरे कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन जिसमें हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक फुटिंग का। तो दूसरा सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है CSI कंपनी का सैफ सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। मैं जल्दी उसका वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा कि उसमें किस तरीके से फुटिंग की डिज़ाइन करते हो, उसके अंदर राफ फुटिंग डिज़ाइन कर सकते हो, आइसोलेटेड कर सकते हो। वो जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने Etabs सीखा है, Etabs के मेरे वीडियोस हैं तो आप सीख सकते हो Etabs। तो Etabs अगर आपने सीखा है तो बहुत ही ईजी, क्योंकि उनके प्रोसेस CSI कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर उनके किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आपने सीखा है तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है लगभग सेम होता है, तो आप उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर बात करें सैफ में, तो सैफ आपको प्रॉपर बता देता है कि इसका एलिवेशन व्यू कैसे दिखेगा, इसको स्पेस कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए आइसोलेटेड फुटिंग है तो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए स्पेस 1 मीटर देना है कि 1.5 मीटर देना है, वो भी आपको बता देता है। सिर्फ आपको उसमें लाइक अभी जैसे मैं पाइल कैप की डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसमें बियरिंग कैपेसिटी आप डाल दीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर कितना वेयर कर, मतलब कितना लोड आ रहा है, वो एक्सियल कैपेसिटी डाल दीजिए। उसके बाद वो प्रॉपर आपको डिज़ाइन करके दे देता है कि इतना 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 आने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार CSI सैफ इज़ बेस्ट, क्योंकि उसकी जो डिटेलिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप डिटेलिंग को यूज़ करके एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सेल में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिटेलिंग आप Staad.Pro फाउंडेशन में नहीं कर सकते हो, इसमें भी आप टॉप व्यू से लाइक इसका कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और कितने एमएम के कितने बार हैं, इवन उसके फाइलों को सेव करके आप ऑटोकैड में कन्वर्ट कर लीजिए और ऑटोकैड में आप उसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे टाइटल बार में डिज़ाइन किसने किया, चेक किसने किया, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन Staad.Pro भी देता है और सैफ भी देता है। तो आपको अगर सीखना है, तो अगर आपने Staad.Pro सीखा है तो वेल एंड गुड, अगर Staad.Pro अभी नहीं सीखा है और आपको जो जॉब है वो फाउंडेशन डिजाइन पे है, तो बेटर होगा कि आप CSI फाउंडेशन को CSI सैफ को यूज़ करिए। तो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें हम लोग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं प्लान को, प्लस उसमें जो फंक्शन है वो ऑलरेडी रिलेटेड टू Etabs है। Etabs पे जो हमने बिल्डिंग डिजाइन किया है उसी बिल्डिंग को हम सीधे इसमें कन्वर्ट कर लें, मीन्स इम्पोर्ट करके, और उसी बिल्डिंग का हम लोग लाइक फुटिंग डिजाइन करके प्रॉपर दे सकते हैं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सैफ सॉफ्टवेयर इज बेटर देन Staad.Pro। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज, क्योंकि आप लोग अच्छे से देख रहे हो और काफ़ी व्यूज मुझे मिल रहे हैं, कई लोग लाइक कर रहे हैं, कई लोग अपने अपने वॉल पे मैंने देखा व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी कर रहे हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस तरीके से करते रहे तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा आपको। जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट आपके माइंड में आ रहा है प्लीज़ कमेंट करिए, जैसे कि पुष्कर ने बोला था ऑटोकैड के लिए और राजन ने बोला था Etabs के लिए, कई लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, अभी मैं नाम नहीं पढ़ सकता एक एक करके जल्द। तो लेकिन मैं जो भी टॉपिक इन्होंने बोला है उन टॉपिक्स पर मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो आपको आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन है आप वो भी सजेशन दे सकते हैं, लाइक आपका जो भी सजेशन होगा ज़रूर उसको पूरा किया जाएगा। और क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है वो आप हैं और आप मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।